आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ बहुत ही डरावने पुल भी हैं, जिन्हें क्रॉस करने के लिए पत्थर का जिगरा चाहिए। आइए जानते हैं उन ब्रिजेस के बारे में। जान जा जिए ब्रिज। अगर आप एडवेंचर का शौक रखते हैं तो चीन के हुनान प्रांत में बने जान जा जिए ग्लास ब्रिज पर चलने का एक्सपीरियंस जरूर लें। इस पुल को ग्लास का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसे पहाड़ के किनारे पर गहरे हरे भरे जंगल के बीचों बीच बनाकर तैयार किया गया है। ये पुल एक समय पर 800 पर्यटकों के वजन को आसानी से सहन कर सकता है, जबकि इसे देखने के लिए रोजाना 8000 से ज्यादा पर्यटक आते हैं। इस ग्लास ब्रिज पर चलने के लिए जिगर चाहिए, क्योंकि पारदर्शी कांच से नीचे बहुत ही भयानक नजारा दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इस पुल को पार करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके व्यू पॉइंट से घाटी का बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक नजारा दिखाई देता है, जो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये ब्रिज देखने में तो बेहद शानदार लगता है, लेकिन इसके ऊपर चलने वाले व्यक्ति को पहले अपना हेल्थ चेकअप करवाना पड़ता है, ताकि कांच के ऊपर चलते वक्त उसे किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत ना पड़े। हुसैनी ब्रिज। पाकिस्तान के हुंजा इलाके में बोरित लेक के ऊपर रस्सी और लकड़ी के तख्तों से बना एक बहुत ही पुराना पुल है, जिसे हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस पुल को साल 1967 से 68 के बीच बनाकर तैयार किया गया था, जो नदी से लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पुल माना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर चलना अपनी मौत को दावत देने जैसा महसूस होता है। दरअसल इस पुल में लकड़ी के तख्तों को रस्सी की मदद से बांधा गया है, जिनके बीच गैप है। पुल पार करने वाले व्यक्ति को एक एक तख्त पर सावधानी से पैर रखना पड़ता है, जबकि इस दौरान पूरा पुल दाएं से बाएं दिशा में हिलता रहता है। वहीं साल भर घाटी में तेज हवाओं और तूफान की वजह से ब्रिज की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से इसकी मजबूती बेहद कमजोर हो गई है और इसके बहुत से तख्त टूट कर नदी के पानी में बह चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद भी स्थानीय नागरिक इस खतरनाक पुल पर चलकर नदी पार करते हैं, क्योंकि पैदल चलने वाले यात्रियों के पास हुसैनी ब्रिज के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वहीं स्कूली बच्चे भी इसी हिलते डुलते पुल से गुजरते हुए स्कूल तक पहुंचते हैं, जिसमें कई बार हादसे भी हो चुके हैं। इसके अलावा कई पर्यटक इस ब्रिज पर चलकर एडवेंचर का आनंद उठाते हैं, जो जोखिम भरा होने के साथ साथ जानलेवा भी होता है। बैकलॉन्ग ग्लास ब्रिज। वियतनाम के सोनला प्रांत में बैक लॉन्ग ग्लास ब्रिज की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक पुलों में की जाती है, जो जमीन से लगभग 152 मीटर की ऊंचाई पर है। ये ग्लास ब्रिज पहाड़ की दो चोटियों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जबकि इस पुल के ठीक नीचे गहरी खाई है। इस ग्लास ब्रिज पर हर वक्त तेज और तूफानी हवाओं का एहसास होता है, जो पुल के ऊपर चल रहे इंसान का बैलेंस पूरी तरह से बिगाड़ सकती हैं। हालांकि ये ग्लास पुल पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा मशहूर है, क्योंकि यहां से वियतनाम के खूबसूरत जंगल और पहाड़ का मनमोहक नजारा दिखाई देता है। ये दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल है, जिसे बनाने के लिए खास तरह के कांच का यूज किया गया है। ये ग्लास एक साथ कई लोगों के वजन को सहन कर सकता है और आसानी से टूटता नहीं है, जिसकी वजह से पर्यटक बिना किसी खौफ के ग्लास के पुल के ऊपर चहलकदमी करते हुए दिखाई देते हैं। इस ग्लास ब्रिज को साल 2022 में आम लोगों के लिए खोला गया था, जिसमें एक साथ 450 लोग आसानी से चल या खड़े हो सकते हैं। हालांकि बारिश के मौसम में इस ब्रिज का कांच फिसलन भरा हो जाता है, जिसकी वजह से पर्यटकों को सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। कमजोर दिल वाले लोगों के लिए इस ग्लास ब्रिज पर चलना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में अच्छा खासा समय लग जाता है। रोप ब्रिज। मेडागास्कर में तसंगी डे बेमराहा नेशनल पार्क अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और लाइमस्टोन की नुकीली चट्टानों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जहां रोजाना सैकड़ों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इस नेशनल पार्क में लाइमस्टोन की चट्टानों को जोड़ने के लिए रस्सी का पुल बनाकर तैयार किया गया है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज में की जाती है। दरअसल इस पुल में रेलिंग के नाम पर रस्सी बंधी हुई है, जिसके बीच काफी ज्यादा गैप होता है। पुल पर चलने वाला व्यक्ति अगर जरा सा भी इधर से उधर होता है तो वो पुल के गैप से नीचे गिर सकता है, और लाइमस्टोन की नुकीली चट्टानें उसकी मौत की वजह बन सकती हैं। इसके अलावा ये पुल लगातार हिलता रहता है, जबकि तेज हवाओं या बारिश के दौरान इस पुल पर चलना बेहद जानलेवा हो जाता है। लेकिन ये नेशनल पार्क एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, जहां लोग अपनी जान खतरे में डालकर न सिर्फ इस रस्सी के पुल को पार करते हैं, बल्कि लाइमस्टोन की नुकीली चट्टानों पर खड़े होकर फोटोग्राफी का आनंद भी उठाते हैं। हालांकि इस जगह पर जाने से पहले पर्यटकों से सहमति पत्र पर साइन करवा लिए जाते हैं, ताकि अगर कोई दुर्घटना घटे तो इसके लिए नेशनल पार्क या फिर मेडागास्कर सरकार को जिम्मेदार न ठहराया जाए। एग्वी दी मिदीदी स्काईवॉक।
अगर आप ग्लेशियर या बर्फ से ढके पहाड़ों का खूबसूरत नजारा अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, तो आपको यूरोप में एग्वी दी मिरीदी स्काईवॉक से होकर गुजरना होगा। ये एक कांच से बना सस्पेंशन ब्रिज है जिसके ऊपर चलते समय न सिर्फ आपकी सांसें फूल जाएंगी बल्कि आपको तेज और बर्फीली हवाओं का सामना भी करना पड़ेगा। इस ब्रिज को ग्लेशियर के मनमोहक नजारे को देखने के मकसद से बनाया गया है जो जमीन से लगभग 310 मीटर की ऊंचाई पर है और इसे 3842 मीटर ऊंचे पहाड़ पर बनाया गया है। सर्दी और बरसात के मौसम में इस स्काईवॉक पर चलना बहुत ही रोमांचक होता है क्योंकि इस दौरान ब्रिज के आसपास कोहरा और बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं। वहीं सर्दी के सीजन में ब्रिज के आसपास लगातार बर्फबारी होती रहती है जबकि कई बार तेज हवाओं और तूफान की वजह से सस्पेंशन ब्रिज को बंद करना पड़ता है, लेकिन इस पुल पर चलने का अनुभव पर्यटकों को जिंदगी भर याद रहता है जहां कभी कभी विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है लेकिन आसपास का मनमोहक नजारा बेहद शानदार लगता है। द कैरे के रेड रोप ब्रिज। नॉर्थ आयरलैंड में ये ब्रिज अपने आप में बहुत ही शानदार दिखता है जिसे दो छोटे आइलैंड्स को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया था। ये एक रस्सी से बना एक 20 मीटर लंबा ब्रिज है जो समुद्र से 30 मीटर की ऊंचाई पर हवा में तैरता है। वैसे तो इस ब्रिज को सबसे पहली बार सन 1775 में स्थानीय मछुआरों के लिए बनाया गया था ताकि वो इस छोटे से द्वीप तक आसानी से पहुंच सके और किनारे पर खड़े होकर मछलियां पकड़ सके, लेकिन उस दौर में इस रस्सी के पुल को सिर्फ लकड़ी के तख्त की मदद से बनाया गया था जो सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं था। हालांकि बीतते समय के साथ इस पुल की मरम्मत की गई ताकि इसके ऊपर चलने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। वर्तमान समय में ये पुल सैकड़ों पर्यटकों को उस चट्टानी द्वीप तक पहुंचाने का काम करता है जिसके ऊपर एक समय पर 3 से 4 लोगों को चलने की इजाजत है। दरअसल ये पुल ज्यादा लोगों का वजन सहन नहीं कर सकता है। अगर ज्यादा लोग पुल पर चढ़ जाएंगे तो उसके टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। पुल को पार करने के लिए पर्यटकों को लंबी लाइन में घंटों इंतजार करना पड़ता है जिसके बाद वो उस पार पहुंचकर समुद्र के खूबसूरत नजारे का आनंद उठाते हैं और फिर एक बार लाइन में खड़े होकर पुल को पार करके अपने घर लौटते हैं। वहीं कुछ पर्यटक ऐसे भी होते हैं जो पुल को जाते समय पार कर लेते हैं लेकिन फिर उनके अंदर पुल को वापस क्रॉस करने की हिम्मत नहीं होती है। कमजोर दिल वाले लोगों के लिए बोट की व्यवस्था की गई है ताकि अगर वो पुल पार करने में सक्षम ना हो तो उन्हें सुरक्षित द्वीप से बाहर निकाला जा सके। दोस्तों, तो ये थे दुनिया भर में कुछ अजीबो गरीब और खतरनाक ब्रिज जिन्हें पार करते समय लोगों को पसीने छूट जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।